हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 साइंस। चैप्टर नेम इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बेटा, ये इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज इसकी सेकेंड वीडियो हम अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल की जब भी डलेंगी आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो चलो आगे आज हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर आगे लेके चलते हैं। फिज़िकल चेंजेस हमने अभी डिस्कस करके हटे हैं कि फिज़िकल चेंजेस क्या होती हैं, और मैंने आपको बोला है कि उसको मैं 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब आज हम अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बेटा, ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, एक्सप्लेन। तो आपको उसमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। यू विल हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, इस टाइप से आप लिख सकते हो। जैसे अभी आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में समझाया था, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो हमने शुगर मिलाई थी पानी में, तो हमने वो देखा था, तो वो भी फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज थी। तो उसमें भी आपको वैसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अभी ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स डिस्कस कर रहे हैं हम। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में देखो, साइड पे आपकी पिक लगी हुई है, एक कैंडल जल ये आपकी बर्न हो रही है, इग्निशन हुई हुई है, कैंडल जल रही है। तो ये देखो, ये कैंडल है, और ये जब जैसे कैंडल जलाई हमने, तो मेल्ट जो ये वैक्स है वो मेल्ट होने शुरू होती है, और ये यहाँ पे साइड्स पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो यहाँ पे लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप जब अपने बर्थडे पे भी कैंडल जलाते हो या आप दिवाली पे कैंडल जलाते हो, तो ऐसे ही होता है ना कैंडल्स के साथ। तो अब क्या है कि ये जो आपकी इसमें क्या हुआ, सॉलिड से वो लिक्विड में बनी, स्टेट चेंज हुई है, बट है तो वो वैक्स ना। उसके बाद में क्या, सॉलिड वैक्स कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द मोल्टन वैक्स। मोल्टन वैक्स क्या होती है, जो हमारी जो वैक्स हमारी पिंगल रही है उसको मोल्टन वैक्स कहते हैं। तो ये जो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे, ये कैंडल के आसपास ऐसे लगने शुरू हो जाती है, जम जाती है जब आपकी पिंगली हुई वैक्स। तो बेसिकली बेटे, है तो ये भी वैक्स ना, इसकी देखो सिर्फ शेप और साइज चेंज हो गया है, बट है तो वो वैक्स है। सो दैट इज व्हाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, क्योंकि वो फिर कैंडल को जब आप जलाते हो, तो वो मैक्स जो वैक्स है वो मेल्ट होनी शुरू होती है, और फिर से वो वैक्स बन जाती है। शेप चेंज हो रही है इसलिए वो फिजिकल है, बट पहले उसकी स्टेट चेंज हुई जब वो लिक्विड थी, इसीलिए स्टेट चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रही है, फिजिकल फीचर्स है ना ये, तो ये रिवर्सिबल है क्योंकि दोबारा वो वैक्स बन गई। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ये लिखना पड़ेगा। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कहती है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये देखो आपको ये पिक बनी हुई है, ये आइस क्यूब्स हैं, और ये मेल्ट होके ये पानी बन रहा है, बर्फ़। आप थोड़ी देर फ्रिज में से आइस निकाल के रख दो तो क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाती है गर्मी में, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मेल्ट होके वो किस, वो क्या बनता है उसका, आइस का वाटर बनता है। आप देखो, वाटर से तो आपने आइस बनाई थी, और फिर अगर उस वाटर को आपने फ्रीज किया तो आइस बनी, और आइस को अगर आपने रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ दिया तो फिर वाटर बन गई। इट मीन्स कि वाटर जो है उसकी स्टेट चेंज हो रही है ना। पहले वो आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में था, और उसके बाद में फिर वो जब मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड हो गया, और वही आप लिक्विड उस पानी को आप फिर से अगर फ्रीज़र में रख दो तो फिर वो मेल्ट, वो फ्रीज हो जाएगा, फिर वो सॉलिड शेप में आ जाएगा, आपकी आइस बन जाएगी। Therefore, melting of ice to form water is a physical and reversible change. इस चीज़ में देखो बेटे, मैंने आपको दो बातें समझाई हैं। मैंने आपको ice to water भी समझाया, और मैंने water to ice भी समझाया।
वाटर को हम फ्रिज में रख दो, आइस बन जाएगी, आइस को आप फ्रिज में वापस रख दो, बाहर निकाल दो तो वो वाटर बन जाएगा। अगर आपको दोनों टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज चेंज करनी है, बात एक ही है, वो फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज ही है। समझ आया आपको? ठीक है बेटा, तो ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया, तो ये आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, वाटर इनटू वेपर। अब ये देखो, आप घर में, आप जैसे किचन में, आप एक गैस के ऊपर आप पानी गर्म होना रख दो, ठीक है? पानी गर्म होना रखोगे तो थोड़ी देर बाद में देखोगे पानी गर्म होगा और वो स्टीम आपको नज़र आएगी, वो स्टीम बन के उड़ता है। अगर आप मान लो आप उसी कंटेनर के ऊपर आप लिड लगा दो, राइट, आपने उसके ऊपर लिड लगा दी, तो क्या होगा? वाटर जब आपका बॉयल होना शुरू होगा तो वो सारे जो स्टीम बाहर जा रही थी, अब वो लिड ने उसको रोक दिया, लिड ने उसको बीच में रोक दिया ना, तो जो आपकी स्टीम है वो बाहर नहीं जा सकती। अब आपका यूटेंसिल आपका गर्म है, पानी आपका गर्म है, पर जो उसके लिड है वो तो ठंडी है ना। जब आपने आपकी जब स्टीम बनी और वो ठंडे बर्तन से टकराई, इवापोरेशन से वो ऊपर गया, जब वो ठंडे बर्तन से टकराया तो वो वाट आप देखोगे उसको लिड को उठा के देखो तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट जो उसके ऊपर लगी होती हैं, वो क्यों लगी होती हैं? वो कंडेंसेशन के कारण लगी होती हैं, क्योंकि जैसे जब वो कूल सरफेस पे टच कंटैक्ट में आती है गर्म चीज़, तो वो वेपर्स के फॉर्म ले लेती है, ठीक है? तो मतलब वो फिर आपको आप देखोगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं, सो वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बैक। जो हमने पानी गर्म किया, जो स्टीम से उड़ रहा था, वो फिर वापस आ सकता है। सो देयर फोर चेंज ऑफ वाटर इंटू वेपर इज़ अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम वाटर को गर्म करके दोबारा वाटर लेके आ सकते हैं। ठीक है बेटे, समझ आया? अब ये देखो, यही चीज़ मैं आपको समझाती। ये पहले कंडेंसेशन समझ लो। कंडेंसेशन क्या होता है? जब आपका लिक्विड वाटर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन कैन बी चेंज्ड बैक टू वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। कंडेंसेशन से पानी हमारा वापस आया है ना, तो वो ठंडे सरफेस पे टकराया तो वाटर बन के नीचे आ गया, राइट? उसको बाद में आप फिर उसको इवापोरेशन मीन्स उसको फिर गर्म कर दो पानी को और लिड हटा दो, तो वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, ठीक है? Therefore, the process of condensation is physical and reversible change. ठीक है बेटे, अगर आपको आ गया पेपर में कि कंडेंसेशन का प्रोसेस फिजिकल है या रिवर्सिबल है, एक्सप्लेन हाउ, तो यू विल हैव टू राइट लाइक दिस। ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये देखो, हमारे आपकी स्लाइड पे एक पिक बनी हुई है, सन है, सन अपनी गर्मी दे रहा है, हीट दे रहा है, वो लैंड सरफेस पे, जिसमें वो लैंड सरफेस पे और वाटर सरफेस पे दोनों पे दे रहा है, उससे क्या हो रहा है? गर्माहट आ रही है, गर्मी आ रही है, ज़मीन गर्म हो रही है, पानी जो है गर्म होने के कारण वो वेपर्स की फॉर्म में बन के वो राइज होगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ही होता है ना। ये देखो, ये मैं आपको ऐसे ये वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखो, सनराइज आई, ये आपकी पानी के ऊपर और ये आपकी धरती के ऊपर डल रही है, तो ये पानी यहाँ से गर्म हवा में बन के, वाटर वेपर्स बन के ऊपर राइज हो रहा है। ये आपको पता है, ऊपर हम एटमोसफेयर में जाते हैं, आपने सिक्स में भी पढ़ा हुआ है, एटमोसफेयर में जाते हैं तो वहाँ पे ठंडा होता है और नीचे गर्म होता है, सो लाइट एयर हो जाती है, गर्म हवा गर्म होने के कारण वो ऊपर चढ़ती है, ऊपर जाके कोल्ड एयर के साथ जो वो मिलती है तो वाटर वेपर की फॉर्म में बन जाती है, और इसको हम कंडेंसेशन होती है, ठीक है? फिर उसके बाद में फिर बारिश होती है तो क्लाउड्स फॉर्म बनते हैं होते हैं, और फिर आपकी रेन आती है तो फिर वापस प्रोसेस चलता है। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको कंडेंसेशन का प्रोसेस समझाना चाहती हूँ, ठीक है? कैसे पानी वापरेट हुआ और कैसे कंडेंसेशन हुई, ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ये मैंने आपको बार बार आपको एग्जांपल दी थी,
जब मैं आपको फिजिकल फीचर समझा रही थी, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ये आपने सिक्स में भी बहुत पढ़ी है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड फिजिकल चेंज है। अब बेटा दिस इज़ फिजिकल एज वेल एज दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज। नाउ हाउ, कैसे फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज होता है? अगर आप रबर बैंड लो, कोई भी आपके घर में रबर बैंड जो होती है, और उसको आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी सिर्फ शेप चेंज होगी, साइज चेंज होगा, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती, रबर बैंड वैसी ही रहेगी। आप उसको स्ट्रेच करो, उसके बाद में उसको आप छोड़ दो, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, बेशक उसका साइज थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। सो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज एन फिजिकल एज वेल एज अ रिवर्सिबल चेंज। ये देखो साइड पे आपकी एक, मैं वीडियो के साथ समझा रही हूँ, ये देखो आप वीडियो को, ये देखो स्ट्रेच की, छोड़ दी, वही शेप में आ गई, स्ट्रेच की फिर छोड़ दी, वही शेप में आ गई। सो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है बेटे, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए तो ऐसे आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। आगे अब आ गया, हमने फिजिकल और रिवर्सिबल चेंजेस पढ़ लिए हैं। फिजिकल चेंजेस के बाद में काफ़ी हमने नॉलेज गेन की है, पर हमने करेक्टरिस्टिक्स को आपको उसमें से ही समझ आ जाएंगे, आप आराम से उससे निकाल सकते हो, बट फिर भी इतना कुछ समझाने के बाद में मैं आपको अब करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कि फिजिकल चेंजेस के क्या करेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गेट चेंज्ड। अभी तक हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, या साइज चेंज हो रही है, या स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे देखो कैंडल बर्न हुई, क्या हुआ? कैंडल बर्न होने से सिर्फ उसका साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुई है, पानी आपका इवापोरेट हुआ, गर्म होने से वेपर बना, या आपकी वाटर से आपने आइस बनाई, उस केस में सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। तो साइज, शेप और स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही, रबर बैंड की रबर बैंड ही है, रबर बैंड का कोई हेयर क्लिप तो नहीं बन गया ना, नई चीज़ नहीं बनती है, वो वही चीज़ रहती है, सिर्फ उसकी शेप साइज चेंज होता है। देन मोस्टली टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, तकरीबन फिजिकल चेंजेस जो होती हैं आपकी टेम्परेरी होती हैं और रिवर्सिबल होती हैं। इतनी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया, आपको अब आपको समझ आ गया होगा कि वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए होते हैं, अगर आप उसको वापस करो तो वापस शेप में आ जाएंगी, वापस हो जाएंगे, और ये रिवर्सिबल है। नन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में या तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती, या बहुत थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।